दोस्तों बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी 74 साल की हो चुकी है। अभिनेत्री ने अपना जन्मदिन अपने प्यारे पति धर्मेंद्र के साथ मनाया और काफी मनमोहक तस्वीरें शेयर की। हेमा मालिनी ने ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा, मेरे जन्मदिन पर हमेशा मेरे साथ धर्म जी के साथ धन्य महसूस किया। हमारा प्यार और विशेष बंधन हर साल केवल मजबूत होता है। दोस्तों फोटो में एक्ट्रेस खूबसूरत लगी क्योंकि उन्होंने एक गुलाबी फूलों की प्रिंट वाली साड़ी पहनी थी और अपने लुक को ज्वेलरी मेकअप के साथ कंप्लीट किया था, जिसमें धर्मेंद्र भी उनके साथ काफी हैंडसम नजर आए। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु में हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने बॉलीवुड में एक अलग पहचान बना ली। इन्होंने साल 1968 में राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर फिल्म से डेब्यू किया था, जिसमें इन्होंने शानदार अभिनय किया, जिसके बाद इन्हें एक से बढ़कर एक फिल्में मिलती रही और इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक्ट्रेस ने अपने फिल्मी करियर में अब तक कई फिल्मों में काम किया, जिनमें जोनी मेरा नाम, शोले, सत्ते पे सत्ता, सीता गीता और नसीब जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के नाम शामिल है। वहीं हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने अपनी मां के साथ कुछ प्यारी तस्वीरें शेयर की और उन्हें जन्मदिन की खूब सारी बधाइयां दी। ईशा ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, ईश्वर आपको उत्तम हेल्थ और ढेर सारी खुशियां दे, मैं हमेशा आपकी तरफ से हूँ, लव यू। दोस्तों बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा भी हेमा मालिनी के जन्मदिन पर उनसे मिलने उनके घर आई थी, जिसकी प्यारी तस्वीरें उन्होंने खुद अपने इंस्टा हैंडल से शेयर की, जिसमें अपने दौर की फेमस अभिनेत्री आज भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। फोटो शेयर करते हुए हेमा मालिनी ने कैप्शन में लिखा, मेरी सबसे प्यारी फ्रेंड रेखा के साथ, जो मुझे विशेष महसूस कराने के लिए मेरे जन्मदिन पर घर आई थी। हमारी बॉन्डिंग कई दशकों से है, जो आगे भी जाती है, सिर्फ सहकर्मी होने के नाते। हेमा और रेखा ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है जो सुपरहिट रही। तो दोस्तों आपने अभिनेत्री हेमा मालिनी को विश किया या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।